विचार कीजिए कि आप रक्त के प्यासे खूंखार शत्रुओं के बीच अकेले घिरे हुए हों, मृत्यु आपसे मात्र चंद कदमों की दूरी पर मुंह बाहे खड़ी हो, बचने का कोई रास्ता ना हो, और तभी अचानक शत्रुओं का काल बनकर कोई योगी प्रकट हो और आपको मृत्यु द्वार से खींचकर वापस ले आए, तो आप इसे क्या कहेंगे? केवल एक भ्रम या फिर कोई दैवीय चमत्कार? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। वो वर्ष था 1879। भारत को अफगानी शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारत पर काबिज ब्रिटिश आर्मी अफगानी शत्रुओं से लोहा ले रही थी और उस वक्त ब्रिटिश आर्मी की कमान संभाली थी अगर मालवा के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने। ब्रिटिश और अफगानी सेनाओं के बीच युद्ध लंबे समय तक खिंच चुका था। युद्ध समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बावजूद भी मार्टिन अपनी पत्नी को संदेश भेजना नहीं भूलते थे ताकि उनके जीवित होने की खबर उनकी पत्नी को मिलती रहे। मार्टिन की पत्नी जब तक उनके संदेश न देख लें, उसे सुकून ही नहीं मिलता था। इसलिए मार्टिन अपने जिंदा होने के सबूत के तौर पर उसे थोड़े थोड़े दिनों में संदेश भेजते रहते थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मार्टिन की पत्नी के होश उड़ा दिए। दरअसल हुआ ये कि अचानक मार्टिन के संदेश आना बंद हो गए। पत्नी ने कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन कोई संदेश नहीं आया, ना ही उसे मार्टिन की कोई खबर ही मिली। तभी एक दिन मार्टिन की पत्नी पास के ही एक शिव मंदिर के पास से घुड़सवारी करते हुए निकली। अचानक उसके कानों पर शंखनाद और मंत्रों की ध्वनि पड़ी, जिस कारण वो उस मंदिर की ओर खिंची चली आई। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात उसे पता चला कि पंडित भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी एक पंडित मार्टिन की पत्नी को देखकर समझ गए कि वो काफी परेशान है। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो मार्टिन की पत्नी ने पूरी बात बता दी। ये सुनकर पंडित ने कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसके लिए उन्होंने मार्टिन की पत्नी को 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ लघु रुद्री अनुष्ठान करने को कहा। इसके पश्चात अपने पति की रक्षा हेतु उसने ये संकल्प लेते हुए कि अगर उसके पति ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे तो वो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगी, उसने हृदय में भगवान शिव को बसाए और मन में सती सावित्री जैसा दृढ़ निश्चय किए हुए तन मन से लघु रुद्री अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। तभी अनुष्ठान के आखिरी चरण में एक सिपाही आया और उसने मार्टिन की पत्नी को एक चिट्ठी सौंपी, और वो चिट्ठी थी उसके पति मार्टिन की। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए, परंतु जब उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसके आश्चर्य से रोंगटे खड़े हो गए। उस चिट्ठी में मार्टिन ने लिखा था कि मैं तुम्हें लगातार युद्ध भूमि से अपने जीवित होने का संदेश भेजता रहता था ताकि तुम परेशान ना हो। तभी अचानक पठानों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। हमारे सामने मौत खड़ी थी और वो ऐसा समय था जब कोई भी ताकत हमें मौत के मुंह से बचा नहीं सकती थी। तभी मैंने लंबी जटाओं वाले एक योगी को देखा जिसने 3 नुकीले सिरों वाला एक हथियार पकड़ा हुआ था। वो योगी देखने में एकदम अद्भुत था, जो बड़ी ही चतुराई से अपने उस हथियार का प्रयोग कर रहा था। वो कोई दिव्य रूप था जिसे देखकर वो पठान अचानक वापस भागने लगे और हमारी मौत हमसे दूर होती चली गई। हमारी हार जीत में बदल गई और ये सब हुआ उस दिव्य योगी की वजह से जिसने बाघ की खाल पहनी हुई थी और हाथ में 3 नुकीले सिरों वाला हथियार पकड़ा हुआ था। आखिर में उस योगी ने मुझसे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ।
इस घटना के कुछ सप्ताह पश्चात मार्टिन अपने घर वापस लौट आया और अपने प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान शिव को धन्यवाद देने वो अपनी पत्नी के साथ उस शिव मंदिर गया और उस शिव मंदिर का नाम था बैजनाथ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश। जब मार्टिन उस शिव मंदिर में गया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि रणभूमि में उसे मृत्यु के मुख से खींच लाने वाला वो योगी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के भक्त बन गए और उन्होंने मंदिर का कायाकल्प करवाया और उसके रख रखाव के लिए दान भी दिया। आज तक केवल बैजनाथ महादेव मंदिर ही एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। मंदिर परिसर के अंदर लिखे हुए मार्टिन और उसकी पत्नी के नामों को देखा जा सकता है जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल नाम की एक महाशक्ति है जो अपने भक्तों की एक पुकार पर उसकी रक्षा के लिए कभी भी प्रकट हो सकती है, परंतु उस पुकार में अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपको भी कभी भगवान शिव के होने का एहसास हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शिव शंकर।